आशीर्वचन वचन होने थे उससे पहले माननीय रामेश्वर शर्मा शीतल एवं शॉर्ट ऑफ करते हुए स्मृति चेन बचा हुआ सर के भव्य आयोजन में, क्योंकि शायद आयोजन तो 5 बजे से था, हम लोग ऐसा मान रहे थे कि होली के बीच का आयोजन है और हम लोग विभिन्न जगह कार्यक्रम थे उस समय 5 बजे 5:30, 6 और 7 बजे तक के जो कार्यक्रम थे उसमें हम लोग कोशिश में थे कि शायद फोन आएगा तो जाना पड़ेगा। और जब एक हम होली के कार्यक्रम में पहुंचे और वहां पर जिस तरह विश्वास सारंग जी आपको यहां तक बुला रहे थे ऐसे ही वहाँ कार्यक्रम चल रहा था, उसमें जब पहुंचे तब फोन आए कि वहां कार्यक्रम में पहुंचना है, तो मिल गया। इनकी कोचिंग पूरी लंबे 5 घंटे की हो गई और पूरे कोचिंग के बाद का जो माहौल है वो हम लोगों को मिलेगा। और यहाँ आने के बाद पता चला कि आनंद ने कौन से सब्जेक्ट पर आपको विषय वास्तु से बात किया होगा, लेकिन मूल एक सब्जेक्ट भाई विश्वास सारंग जी जो हमारे युवा नेता हैं, हमारे युवा विधायक हैं, उनने आप सबके बीच में रखा। हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय सुशील वासवानी जी, आदरणीय और उपस्थित सभी महानुभाव, मूल जो माँ बाप ने काम दिया है वो सबको करना है और आपको जो काम दिया है वो आपको करना है, क्योंकि आपको वहां से भेजा है काहे के लिए, कोचिंग पढ़ना, इन्हें अपने बेटे का लिखाओ कि नहीं लिखाओ, लेकिन आपके माँ बाप ने तो लिख ही दिया है कि दादा तुम्हें पटवारी के लेने जा रहा है तो पटवारी बन के लौटना है, सीए किया है तो सीए बन के लौटना है। लेकिन वो बनने के साथ साथ ये बात भी सही है कि माँ बाप का ये लिख देते, जैसे कोई सैनिक की विदाई करते समय माँ अपने बेटे के माथे पर तिलक लगाता है, बहन जो हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है वो आरती उतारती है, जो पत्नी अपने पति के साथ हाथ पकड़कर उसके घर आती है वो पत्नी उससे हाथ को हाथ दबा कर कहती है कि जाओ, ये पूरे खानदान ने तुम्हें आन बान शान से खड़ा करके भेजा है, सीमा पर तुम जब जाना तो दुश्मन की गोली सीने पर खाना, पर भारत माता को पीठ दिखाकर मत। चाहता है तो आप समझो कि हिंदुस्तान के माँ बाप कितने ताकतवर हैं, ये कहीं और देश में है, और इसलिए बिल्कुल मत घबराओ आप कि जेएनयू की घटना से हिंदुस्तान में कोई बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। इस तरह के गद्दारों के कारण इस देश में नया तूफान आने वाला है जो इनको कुचलने में सामर्थ्य रखता है, क्योंकि आप जरूरत है नहीं तो हम इसको नजरअंदाज कर देंगे, हम छोटी मोटी बातों को सोचने लगते हैं, हर जगह यही था, कभी किसी विषय पर चर्चा होती तो मौलिक अधिकार, इसकी स्वतंत्रता, अशिष्टता, बाप को बाप मत कहो ये भी मौलिक अधिकार, माँ को माँ मत कहो ये भी मौलिक अधिकार, कभी कभी तो इतने बेढंगे हो जाते हैं कि पत्नी का हाथ छोड़कर दूसरी का पकड़ के ले जाते हैं, वो ये भी मौलिक अधिकार, और इस तरह के जो मौलिक अधिकारों का उपयोग होता है ऐसे लोगों को जब सम्मानित किया जाता है तब राष्ट्र अपमानित होता है, तब राष्ट्र को लगता है कि व्यर्थ गई उनकी फांसी जिन्हें आजादी के लिए चुनी थी। काश भगत सिंह भी सोच लेते कि अपन भी रंग खेलो, अपने भी मेहदी मावर के जो है फेरे पढ़ने दो, अपने भी डोली और संगठन आने दो, साथ रहेंगे, पंजाब के बगीचों में घूमेंगे, माँ बाप की कुछ खेती चलाएंगे, ज्यादा दिन हुई तो अंग्रेजों को सलाम कर देंगे, कोड़े पड़े तो वो भी खा लेंगे, देश को गुलाम रहने दो। पर उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, उन्होंने सोचा कि आजाद भगत सिंह के परिवार में कोई और हो के नहीं हो, बाप गेहूं की खेती करता है, माँ ढाबा चलाती है और चंद्रशेखर और भगत सिंह का परिवार ये गरीबी से गुजरता है, ना तो भगत सिंह ने माँ की रोटी की चिंता की, ना चंद्रशेखर ने अपनी माँ की रोटी चिंता की, बाप जब खेत में गेहूं बो रहे थे तब भगत सिंह उस खेत में बंदूकें बो रहे थे कि अब बेटा पिता तुम्हारा जब गेहूं खड़ा होगा
आगे की पेट की व्यवस्था करेगा, लेकिन भगत सिंह की जब बंदूक खड़ी होगी तो हिंदुस्तान की आजादी की व्यवस्था करेगी। इसीलिए उन परिवारों ने इसके लिए लड़ा, उन परिवारों ने इस पद के लिए जिया, और कोई भी मेडल लेने के लिए नहीं आया। ये देश में तो बहुत सी चल रही है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, पर इसके बाद भी तो देश चल रहा है कि नहीं चल रहा बताइए। पाकिस्तान हमसे क्या करेगा, क्या लड़ेगा पाकिस्तान? उसको एक नहीं 100 गद्दार हिंदुस्तान में मिल जाए और 1000 गद्दार भी मिल जाए, खूब जिंदाबाद के नारे लगाओ, लेकिन जब भारत माता की जयकार लगेगी तो उसकी टीम भारत की भूमि पर 100 रन नहीं बना पाएगी, इतना ध्यान रखो। क्योंकि जब हमारी फौज जब खड़ी हो, हमारे लोग जब खड़े होंगे, मजाल क्या है कि दुश्मन उसका मुकाबला कर ले? ये लड़ने का सामर्थ्य केवल हिंदुस्तानियों में, पाकिस्तान तो वो नालायक देश है कि अपने मुर्दों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं होता है। हम लोग आपको कम से कम ये है कि अगर सीमा पर कोई ने सैनिक ने गोली खाई है तो स्वीकार करते हैं, और पाकिस्तान के अंदर ठोक कर किसने बम चलाया है उसको भी भारत स्वीकार करते हैं कि हमारा बेटा है, कोई बात नहीं। लेकिन तुम्हारे एक्सेप्ट नहीं होता, तुम्हारे स्वीकार नहीं होता, और इसलिए आज भारत की धरती पर पढ़ो मुकाबला करना है दुनिया से, दुनिया के आगे झुकने का नहीं, दुनिया को झुकाने का सामर्थ्य हिंदुस्तान में पैदा करना है। और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद, खुशीराम बोस, इनके जो भी संकल्प रहे उन संकल्प को पूरा करना है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रक्त की कसम खाकर कहो कि आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो ये दुनिया वालों हिंदुस्तान, अच्छी से अच्छी थी, नहीं तो कलेक्टर पागल बन गया तब उसका कोई भरोसा नहीं हो तो शत्रुता के नए अर्थ निकालेगा, बोले बाप को गाली देकर आया यही शत्रुता, माँ को पीट कर आया यही मौलिक अधिकार है उसका। तो इन पर जब चर्चाएं होंगी तो कोई तो जवाब देने वाला खड़ा हो, कोई तो सही बात कहने वाला खड़ा हो। और इसलिए आप सारे क्षेत्रों में आनंद अगर परिश्रम कर रहा है तो वो आनंद का परिश्रम का जो पसीना गिरा है वो आपकी जिंदगी का आनंद बनकर उभरे और माँ बाप को उसकी खूबसूरती की सुगंध मिले, उसकी मेहनत मिले। और आप जाइए, गरीब घरों के लोग हो, आपको खुद खड़ा होना, अपनी जिंदगी बनाना है, और खड़े होने के साथ बस एक समझौता मत करना जो विश्वास सारंग जी ने कहा है। जैसे इनके बेटे के बारे में उन्होंने ये नहीं लिखा, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, IAS बनाओ, IPS बनाओ, उन्होंने कहा कि केवल भारतीय बनाओ। केवल एक सपना अपने आंखों के सामने जरूर रखना, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कलेक्टर बनो, वैज्ञानिक बनो, अनुपम की ताकत बनाने वाला शक्तिशाली राष्ट्र के तुम नागरिक बनो। बस एक सपना ध्यान रखना कि हमारे सामने जब कोई भी आए, जब समझौता हो तो समझौते में जान भी दे देना, जरूरत पड़े तो अपने परिवार की आन भी दे देना, पर भारत की मिट्टी के साथ कभी समझौता मत करना, बस इतना ध्यान रखना। ये समझौता जब नहीं करोगे अपना सब कुछ अच्छा चलेगा, अपना सब कुछ अच्छा चलेगा, अपना कुछ नहीं बिगाड़ने वाले। और ये तो जरूरी है, पाकिस्तान अगर ऐसा नहीं करेगा तो हिंदुस्तानियों की तो बहुत बुरी हालत है। तुम लोग यहाँ भारत माता की जय बोलते हो, तागिज में जाके सीटी बजाते हो, और जरूरत पड़ने पर और भी कुछ करते हो, और जब उसमें पकड़ा जाते हो फिर माँ बाप को नहीं बताते, माँ बाप को बता दो तो फिर उससे बचने के लिए नाक छिपाते हो, और कभी कभी कितने बुरे दिन आ गए, क्या कौन बनाएगा, किसी को कोई नहीं बना सकता सर, सब अपने अपने भविष्य का निर्माता खुद है, खुद। लोग अंबेडकर के नारे लगाते हैं, अंबेडकर जिंदाबाद, अंबेडकर, अंबेडकर जिस लैंप के नीचे खड़े पड़े थे उसके नीचे अगर कोई भी एक आदमी पढ़कर खड़ा हो जाए तो भारत का नया अंबेडकर बन जाएगा, नया भारत का इतिहास लिख देगा। तो संघर्ष करो, केवल हम बिना संगत की बातें कोई भी बातें करते हैं। आप परिश्रम करिए, आप माँ बाप के पैसे पर हैं सर, जिस दिन खुद की पॉकेट मनी कमाने लगोगे उस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा हिंदुस्तान क्या है। खुद की पॉकेट मनी कमाओ, इसलिए माँ बाप के पैसे जब आता है दोस्त के साथ 12:30 बजे रात को क्या कर रहा, कौन सी कोचिंग चल रही है, आनंद कोचिंग चल, कहा चलाते वही। और जिस हालत में तुम्हें 3-4 लोग उठा के लाते वो कोचिंग है,
और उस कोचिंग में तैयार होकर तुम डॉक्टर बन जाओगे, उसको मरीज को टेबल पे लेटाओगे, खुद पेट लगाओगे, ओपरा तो इलाज हो जाएगा, नहीं तो उसको भी निपटा दो। तो ये अच्छा चरित्र है, ये अच्छे नागरिक होने के गुण है। ये उसी बाप की औलाद है जो खेती कर रहा था, जिसने दिन के कभी 2 बजे का सूरज नहीं देखा, जिसने परिश्रम किया, घर से सुबह 5:30 बजे निकला और शाम को 7 बजे लौट कर आता है। तुम उस बाप की औलाद हो सर, ध्यान रखो। वो एक मटका पानी अपने बैलों के साथ खुद भरकर लेके गया था, उसने बंजर भूमि को आबाद करके खुद भूखा रहकर दुनिया को भोजन देने की व्यवस्था की थी। तुम उसकी औलाद हो, जब वो अपने खून पसीने से दुनिया को पालता है, उसके पसीने की कमाई से कभी तुम अपना घर बर्बाद मत करो, इतना जरूर सीखो, इतना जरूर सीख करो। और वो जब तक तुम नहीं सीखोगे, तब तक अच्छे नागरिक नहीं बनोगे। क्योंकि आज पैसे की कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं पैसे का। तो आजकल ऐसे समझते, क्या हालत हो रही है, नशा कितनी तेजी से बढ़ रहा, उस नशे को हम कितने लोग, अभी मैं देख रहा विश्वास आनंद जी भाषण दे रहे थे, 4 से लोग लगे सीटी बजाने, भगत सिंह ने बजाई थी अगर बस सीटी। हम यही तो भूल गए कि सुंदरकांड में हमको केवल सर हिलाना है कि पैर हिलाना है। हम यही तो भूल गए कि जब भारत माता की जय हो वहां सीटी बजानी है कि नहीं बजानी। हम यही तो भूल गए कि बहन के सामने जब हाथ जाए तो वो हाथ रक्षाबंधन का हो या हाथ लूटने का हो, बहन के सामने जब भाई का हाथ जाए तो उसकी सुरक्षा का हो, रक्षाबंधन का हो, ये जवाब ये भूल गए। कई बंधन टूटे हैं हमसे, केवल एक ही नहीं टूटा। और दौड़ इतनी है, तत्काल मिले, सब मिले, सब तुमको मिलेगा, किसको मिलेगा? अमेरिका के पास है क्या? पाकिस्तान के पास क्या है? तुम्हारे पास तो सब कुछ है, 9 ग्रह है कि नहीं? आज ये को निपटा के आए आप लोग, सुबह शनिवार मंगलवार सारे ग्रह तुम पर है, कब्जा पाकिस्तान करे, लेकिन तुम्हारे यहाँ का अगर भगवान लूट जाए तो पाकिस्तान को भी निपटा है और अमेरिका को निपटा है। क्योंकि दुनिया के ग्रहों पर कोई कब्जा कर सकता है और दुनिया के ग्रहों को कोई शांत कर सकता है तो वो केवल तुम्हारा हिंदुस्तान कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। इसलिए विज्ञान तुम पर है, ज्ञान तुम पर है, उसकी आधार की पृष्ठभूमि आप पर है। इसलिए सोचो, विचारो, अच्छा करो और अपना उतना कर्तव्य निभाओ कि आप दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करो। ये नागरिक होने का धर्म निभाओ, डरो मत पर व्यवहार ठीक करो, व्यवहार ठीक करो, निडर रहो पर व्यवहार ठीक करो, बहनों के सम्मान में ठीक कदम चलाओ। क्योंकि गांव में शहर में सब में केवल एक अंतर आ रहा है, आजकल पड़ोसी, हम हिंदुस्तान रक्षा की बात कर रहे हैं, अरोरा कॉलोनी में जाओ तो पड़ोसी का घर नहीं बता पाते। क्यों भाई, सीआईडी रिपोर्ट क्या कहती है? यही है ना, सुबह सुबह एंटी गोदी में लेके दूर से लगे कि बेटे को ले जा रही है, कुत्ता निकलता है। और उनके पड़ोस में पूछो कौन रहता है, अरे आंटी जब तुम टपक जाओगी तो ये पड़ोसी तो अर्थी में करना देने आएगा, इसका तो कम से कम एड्रेस तो ठीक रखो। हम हिंदुस्तानी पाकिस्तान से समझौता करने की बात करते हैं, पाकिस्तान से दोस्ताना व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी देश है और घर के पास में रहने वाले पड़ोसी राम राम तक नहीं, इतना बुरा तो हालत है हमारे। ये क्या अच्छा कर्तव्य है, ये कर्तव्य ठीक नहीं है। इसलिए पड़ोसी धर्म भी ठीक निभाओ, दोस्ती का धर्म भी ठीक निभाओ। आजकल दोस्ती नहीं है दोस्त, माफ करना, दोस्ती में स्वार्थ है। और दोस्ती का स्वार्थ जब तक नहीं त्यागोगे, तुम कलेक्टर भी बन जाओगे तब भी दोस्ती स्वार्थ के कारण ही करोगे, तब भी तुम भूल जाओगे कि तुम कलेक्टर हो, जिले के मालिक हो। और स्वार्थ को पहले छोड़ो, दोस्ती करो तो मजबूती करो और दोस्त को सुधारने के साथ करो। और भारत वो ताकतवर देश है। मैं कहानी सुनाता हूँ आपको, हनुमान जी का नाम सुना है? किसने? हमने सुना है, बाया बहुत बढ़िया। हनुमान जी क्या थे? राम भक्त, बहुत बढ़िया, फिर नहीं सुना आपने? हाँ, पवन पुत्र थे हनुमान जी। हनुमान जी किसके गुलाम थे? गलत है, गलत। हनुमान जी
हनुमान जी का राजा कौन था? सुग्रीव। और सुग्रीव के गुलाम थे हनुमान, आपकी जानकारी के लिए। और वाली सुग्रीव को मारने के लिए फिरता था, और हनुमान जी केवल ये संदेश देते थे कि भाई साहब बाली उधर से दौड़ता चला रहा है टीटी नगर न्यू मार्केट की तरफ से, वो यहाँ आ गया समन्वय भवन, पीछे के गेट से सुग्रीव निकल के टॉप एंड टाउन की तरफ से बाहर निकल जाता है। केवल ये काम था, टोटल ये काम था। और जैसे ही टॉप एंड टाउन पर बाली पहुंचता था तो सुग्रीव वहां से बाणगंगा की तरफ निकल लेते थे, बाणगंगा की और आगे चले जाते। ये कैसे कोई काम था? जब सुग्रीव को ये संदेश का लगातार देते देते हनुमान जी की भेंट राम से हुई, और जब राम से हुई तो हनुमान क्या हो गए? हनुमान स्वयोजन समुद्र भी लांग गए, रावण की लंका भी जला दी, सीता माता को भी कह दिया माँ अभी पता नहीं राम जी बोल देते तो अभी उठा के ले जाता, ये जो ताकत है ये तब पैदा होगी जब तुम्हें अच्छा गुरु मिलेगा, और गुरु जहां मिले वहां उससे ज्ञान लेना शुरू करो, तब असली हनुमान बन पाओगे, तब देश के लिए कुछ कर पाओगे, वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम सीखते रहेंगे और इतना भी नहीं सीख पाए कि माँ बाप क्या है, इतना भी नहीं सीख पाए माँ बाप की सेवा नहीं सीख पाए। कहां रह रहे? भोपाल में 9 अधिकारी ऐसे जिनके माँ बाप कहां रह रहे है? अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम। देखो कितना अच्छी खबर है, ये अच्छी है क्या? ये देश में वृद्धा आश्रम, गो माता के लिए गोशाला है। जिस देश में गाय आप दूध मांग रहे हैं भगवान शंकर के अभिषेक के लिए, जब गाय नहीं बचेगी तो दूध मिलेगा कहां से? और उसके लिए भी आजकल आश्रम बनाए जा रहे हैं, पैदा करने वाली माँ उसके लिए भी वृद्धा आश्रम, और दूध पिलाने वाली माँ उसके लिए भी आश्रम। ऐसी जब हिंदुस्तान की हालत बन गई, तुम जो भी बनो पर इतने कर्तव्यशील जरूर बनना कि जिंदगी में माँ कभी वृद्धा आश्रम ना जाए और कभी गाय को कसाई के हाथ बेचा ना जाए, इतना धर्म जरूर निभा। इतना धर्म निभाग है तो अच्छा हिंदुस्तान आप बना सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जिस क्षेत्र में जाओगे, जहां भी जाओगे, जिस क्षेत्र जिस काम मिलेगा पटवारी का मिले ठीक से नक्ति कर देना। सबसे बड़ा संकट है किसी की 5 फीट बढ़ा दी, 4 से लोग मर जाते हैं। क्योंकि आजकल तो जमीन, मैं तो गांव का विधायक हूँ, विश्वास जी तो शहर के, हमारे यहाँ तो रात में बाप के सोते में अंगठे लगवा ले जाते हैं। क्या है आप हंस रहे हो? देखने की बात नहीं है, रोने की बात है। बाप पर बेटे पर इतना अविश्वास हो रहा है कि बेटा इतना बदतमीज हो गया कि बाप के अंगूठे सोते में लगा के ले जा रहा है। जिस बाप ने धूप छाए सब उसके लिए दी, बुढ़ापा इस बात के लिए था कि वो बाप को रात को बंदी बनाकर अंगूठे लगा के ले जाएगा। सर ये हंसने की बात नहीं है, हिंदुस्तान के लिए शर्म की बात है। जहां बाप की आवाज पर राम ने कभी पलट कर नहीं दिया, रात को राम ने दशरथ ने कहा था सुबह तैयार रहना राम, राज्यभिषेक होगा। और सुबह होते होते वही पिता ने दशरथ ने राम को बुलाकर कहा नहीं बेटा बन जाना है, पलट कर नहीं पूछा राम ने भी क्यों जाना, अभी तो इतना बोल भर दो पिताजी को उसी समय बंदी बना लिया जाएगा औरंगजेब की तरह। हंसो, बाप बंदी बनेगा उस दिन समझना, हंसने नहीं रोने की बात है। ये कहानी चुटकुले नहीं सुना रहा है मैं और विश्वास सारंग आपको, ये ना मेरे लिए ना आपके लिए, हिंदुस्तान के लिए शर्म की बात है कि हम मर्यादा की बात करते हैं राम की, हम लीला पुरुषोत्तम कृष्ण की बात करते हैं, और आचरण हम किसी और माँ बाप के प्रति, अपने बहन भाई के प्रति, अपने चाचा ताऊ के प्रति, अरे और तो और हिंदुस्तान संभालो कि नहीं संभालो, जिस खून और परिवार में तुम पैदा हुए हो उस परिवार के भी तुम बेटे सही बन जाओ तो भी हिंदुस्तान समझ जाएगा। इतना भी धर्म नहीं वाले। सबसे पहले अगर वध कर रहे हो तो अपने परिवार का कर रहे हो, रक्त का वध कर रहे हो, कुटुंब खत्म हो गए। कितने बुआ है बुआ ही नहीं मालूम तो है, आने वाले भारत में क्या मालूम, मामा मम्मी ने बताया नहीं कौन मामा, मौका ही नहीं मिला। और इसलिए ये सब रिश्ते खत्म जब हो जाएंगे
तो ऑटोमेटिक केवल देश खत्म हो जाएगा। तुम्हारा हिंदुस्तान केवल चल रहा है, जैसे कुटुंब रक्त के रिश्ते से चल रहा है, वैसे ही हिंदुस्तान तुम्हारा सभ्यता के रिश्ते से चल रहा है, और ये रिश्ते को बनाए रखना, ये रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। ये रिश्ता है तुम्हारी सभ्यता का, सभ्यता के रिश्ते को बनाने के लिए आपको हमको सभ्य होना जरूरी है। कौन कन्हैया है, क्या बदतमीजी करेगा, हिंदुस्तान इतना जादूगर देश है, ऐसे कई कन्हैयों को छोड़ कर जाएगा, ऐसा कन्हैया पैदा करेगा जो नाग को भी नस सकता है, सुदर्शन चक्र भी उठा सकता है, द्रौपदी की लाज भी बचा सकता है, दुर्योधन का वध भी करा सकता है, और महाभारत पढ़ने पर तेरे जैसे कई नालायकों को ठिकाने भी लगा सकता है मेरा, ऐसा हिंदुस्तान है। लेकिन एक व्यक्ति के कारण कुछ नहीं, सोचो विचारो अच्छे पढ़ो, जिस क्षेत्र में गारंटी के साथ खड़े रहो, इतनी विश्वसनीयता बनाओ कि कम से कम जिसको तुम न्याय देने जा रहे हो वो तुमसे ये ना कहे कि तुमने उसके साथ अन्याय किया। बस इतनी विश्वसनीयता बनाकर काम करो, अपना देश मजबूती के साथ चलेगा, जो विश्वास सारंग जी ने कहा है उस सपनों के साथ चलेगा, आनंद ने जो ख्वाब आपको दिखाए वो भी आप पूरे करोगे, क्योंकि ख्वाबों के बिना कोई आदमी बढ़ता नहीं है, कोई ना कोई संकल्प लेना पड़ता है, उनको लेकर आप आगे बढ़िए और संकल्प लीजिए कि आप भारत के बेटे हैं, भारत के नागरिक हैं, एक वो माँ जिसने पैदा की है, दूसरी माँ ये जिसने उस माँ के माँ जितनी भी माँ है पैदा हुई है सबका मलमूत्र अगर ढोया है तो मेरी भारत माता ने ढोया है, उस भारत माता का ऋण सदैव चुकाते रहना, उससे ऊपर मत जाना, और उसके ऊपर नहीं जाओगे आप हम अच्छे चलेंगे, देश के अच्छे नागरिक बनेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, उज्ज्वल भविष्य की कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय।